इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर ऐ बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के हैं। जब पंजाब और हैदराबाद के बीच होने वाले इस मैच को पंजाब की टीम हैदराबाद के हाथों 2 रनों से हार जाती है तो पंजाब के कप्तान मनी मन कह रहे होंगे, इसे कहते हैं सुकून भरी हार। एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरी पंजाब की टीम को संभालने की जिम्मेदारी आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह करते हैं, और जब पंजाब को लास्ट ओवर में 29 रनों की आवश्यकता होती है तो हर किसी को लगता है कि पंजाब की टीम इस मैच को बड़े अंतर से हार जाएगी। पर आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। जब 69वां ओवर लेकर आते हैं तो आशुतोष शर्मा उनकी पहली गेंद पर छक्का मार देते हैं। अब 69 के चेहरे पर आशुतोष शर्मा का खौफ बिल्कुल साफ देखा जा सकता था, और इसी डर और आशुतोष शर्मा से बचने के चक्कर में 69 दो गेंदे वाइड फेंक देते हैं, और जब अगली गेंद राइट आती है तो आशुतोष शर्मा फिर से छक्का मार देते हैं। अब 4 गेंदों में सिर्फ 15 रनों की आवश्यकता होती है। अब 69 थोड़ी वापसी करते हैं और अगली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन देते हैं। 4 गेंदे फेंकने के बाद भी ऐसा लग रहा होता है कि पंजाब की टीम इस मैच को अब भी जीत सकती है, और अगली गेंद बचने के प्रयास में 69 बैट फेंक देते हैं। अब 2 गेंदों में सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता होती है, पर 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा सिर्फ सिंगल ही निकाल पाते हैं। अब पंजाब की टीम इस मैच को ऑलमोस्ट हार चुकी होती है, क्योंकि इस एक गेंद पर 9 रन तो बनने से रहे, इस एक गेंद पर बनेंगे तो सिर्फ 6 ही रन, और उस गेंद पर शशांक सिंह छक्का मार देते हैं और पंजाब की टीम इस मैच को 2 रनों से हार जाती है। वेल, लास्ट ओवर में जो भी हुआ हो, पर पंजाब की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेती है, और हैदराबाद पावर प्ले में तेज शुरुआत करने के चक्कर में सबसे पहले टर्विस हेड और उसके बाद उनका स्थान लेने आए मार्करम का विकेट गवा देती है, और उनके पीछे पीछे अभिषेक शर्मा भी पवेलियन की राह पर चले जाते हैं। फिर हैदराबाद की पारी को अच्छी स्थिति में ले जाने की जिम्मेदारी नीतीश रेड्डी लेते हैं और 64 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और लास्ट में छोटी मगर इम्पैक्ट वाली पारी खेलकर अब्दुल समद अपनी टीम को 182 रनों तक पहुंचा देते हैं, जिसमें अर्शदीप हैदराबाद के 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाते हैं। इस मैच में 182 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत बहुत खराब रहती है और उसके दोनों ओपनर बहुत जल्द पवेलियन चले जाते हैं, और अंत में आकर आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह थोड़ी सी उम्मीद जगाते हैं, पर पंजाब की टीम इस मैच को 2 रनों से हार जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी।